हे गाइस, तो यार क्या हाल है सबका। तो फिर गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी बोट स्पोर्ट वायर्ड ईयरफोन का रिव्यू करने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, मैं इसका आपको यहाँ पे छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो यार इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, अनबॉक्सिंग वीडियो भी होने वाली है। तो फिर गाइस, अगर आप यहाँ पे एक वायर्ड ईयरफोन को तलाश रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। तो फिर गाइस, अगर आप इस ईयरफोन को बाय करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से गाइस आप बाय कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके तरफ से हमारे इस चैनल को यार थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यार प्लीज दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ही परचेज कीजिए। तो फिर चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जाके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों दबाना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पे बहुत ही कमाल के टेक वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं। तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और उसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार प्लीज आपके तरफ से यार इस वीडियो को एक लाइक चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके एक लाइक से हमें यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली मोटिवेशन मिलती है। तो यार एक लाइक तो बनता है। तो फिर चलिए गाइस, without any wasting time, let's start the video. तो फिर गाइस ये देख सकते हैं आप इसका बॉक्स। और दोस्तों यहां पे अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो दोस्तों यहां पे आपको ठीक ठाक पैकेजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे गाइस फ्रंट में इसके कुछ की स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं, जिसके गाइस हमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। और ये देख सकते हैं गाइस हमारा यहाँ पे नया अनबॉक्सिंग का टूल, और दोस्तों आज से हम इसी से हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स का यार अनबॉक्सिंग करेंगे। तो बहुत ही कमाल का टूल है। और यहाँ पे गाइस हम सिंपली इसको अभी बाहर निकालते हैं। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप बॉक्स में देख सकते हैं हमें और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले ईयर टिप्स दिए गए। और दोस्तों यहाँ पे अगर ईयर टिप्स क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही कमाल की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलते हैं इन्हीं ईयर टिप्स की। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक पाउच देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर पाउच क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको पाउच की क्वालिटी बहुत ही कमाल की देखने के लिए मिल जाती है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 1 ईयर वारंटी का एक कार्ड दिया गया है। और यहाँ पे गाइज कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे कि गाइज यहाँ पे हर एक क्रिकेटर का आपको यहाँ पे फोटो शो किया गया है। और उसी के साथ दोस्तों हर एक इनके प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको इमेज जो है वो शो किया गया है। तो और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आखिरी जो है यहाँ पे आपको एक स्टिकर दिखाई देता है, जिसे गाइज आप यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं। और आखिर में गाइज यहाँ पे हमें ईयरफोन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर ईयरफोन की फर्स्ट इम्प्रेशन की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही कमाल का लग रहा है। यहाँ पे वायर की क्वालिटी भी मुझे जो है वो बहुत ही कमाल की लग रही है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिल्वर प्लेटेड 3.5 mm जैक जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर गाइज ये देख सकते हैं ईयरबड्स। और दोस्तों अगर ईयरबड्स की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डैशिंग लुक के साथ आपको ईयरबड्स जो हैं देखने के लिए मिले हैं। तो फिर गाइज इस ईयरफोन को मैंने यहाँ पे करीबन 8 से यार 10 दिन यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों मुझे इसका एक्सपीरियंस या फिर रिव्यू जो है वो मिल चुका है। और दोस्तों यही जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप यहाँ पे कुछ इसके यहाँ पे फीचर्स जो हैं वो जान लीजिए। इसमें गाइज आपको यहाँ पे 10 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर देखने के लिए मिल जाए। उसी के साथ गाइज आपको इसमें यहाँ पे IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाता है। मतलब गाइज अगर इसके ऊपर थोड़े से पानी के बूंद जो है वो गिर जाए या फिर गाइज थोड़ा सा बारिश में गीला हो जाए तो दोस्तों ये सहन कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वाटरप्रूफ है। और दोस्तों आप इसको यहाँ पे पानी में डालने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उसी के साथ गाइज आपको इसमें यहाँ पे सिक्योर फिट जो है देखने के लिए मिल सकता है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आखिरी फीचर की बात की जाए तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे सुपीरियर कोटेड केबल जो है वो देखने के लिए मिलती है। फिर गाइज यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स थे तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि गाइज क्या ये सच में अपने फीचर्स के ऊपर खरा उतरता है या फिर नहीं। तो फिर गाइज शुरुआत हम यहाँ पे इन्हीं ईयर हुक से करते हैं। और गाइज अगर इन ईयर हुक्स की बात की जाए, जी हाँ गाइज ये ईयर हुक जो है बहुत ही कमाल के हैं,
यूजेस के मामले में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे कान में मेरे अभी यहाँ पे ईयरफोन जो है डाल लेता हूँ और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा शेक कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो गिरने का नाम है वो नहीं ले रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर लुक के मामले में बात की जाए दोस्तों ये उतना अच्छा नहीं दिखता है। जी हाँ गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं मेरे फिर से एक बार कान में डाल लेता हूँ और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं लुक के मामले में उतना ज़्यादा ये अच्छा जो है वो नहीं लगता है। दोस्तों यहाँ पे अगर ये लुक के मामले में देखा जाए तो दोस्तों उतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर यूजेस के मामले में बात की जाए तो दोस्तों ये फीचर आपको बहुत ही कमाल का लगने वाला है। उसी के साथ गाइज यहाँ पे अगर वायर्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों ये जो वायर्ड क्वालिटी है ये गाइज अच्छी है, ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है फिर उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, आप इसको यहाँ पे मीडियम साइज कह सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, अगर गाइज आप इस ईयरफोन को लेना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे रेड कलर के तरफ जाइए। जी हाँ गाइज उसमें वहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं जो कि गाइज बहुत ही कमाल के है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे सुपीरियर कोटेड केबल जो है देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे दोनों ही केबल के बारे में बात की जाए दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रेडेड केबल में बिल्ड क्वालिटी जो है अच्छी देखने के लिए मिलती है, दोस्तों आपको वहाँ पे लुक भी बहुत ही कमाल का देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अगर आप इस ईयरफोन को बाय करना चाहते हो तो दोस्तों मेरा आपको यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि गाइज आप यहाँ पे रेड कलर के तरफ ही जाइए। इसके साथ गाइज अगर इसके कंट्रोलर की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि गाइज एक कंट्रोलर में होने चाहिए। मतलब गाइज आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन जो है वो भी देखने के लिए मिलता है और उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे म्यूजिक पॉज और प्ले का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप इस पॉज एंड प्ले बटन को अगर दो बार क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर में कोई भी कंजूसी नहीं की गई है। इसी के साथ गाइज यहाँ पे आपको एक क्लिप भी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन दोस्तों ये जो क्लिप है मुझे उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं लगा। जी हाँ गाइज इसका यहाँ पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, अगर गाइज एक क्लिप नहीं देते थे तो भी गाइज यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन दोस्तों अगर हमें यहाँ पे रियलमी बर्ड्स 2 जैसा स्ट्रैप दिया जाता तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की बात होती। दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रैप नहीं दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिप से ही काम चलाना। तो फिर गाइज अभी यहाँ पे मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी आपको कैसी देखने के लिए मिलती है। दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा घुमा के यार वीडियो को लंबी करना नहीं चाहूँगा, मैं गाइज आपको यहाँ पे सिंपल वे में इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे अगर इसके बेस की बात की जाए तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे 9.5 out of 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। उसी के साथ गाइज यहाँ पे अगर वोकल्स की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको 8 out of 10 की रेटिंग देना चाहूँगा और दोस्तों यहाँ पे अगर इसके ट्रबल्स की बात की जाए तो दोस्तों इसको भी मैं यहाँ पे 8 out of 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। तो ओवरऑल आपको इसमें यहाँ पे बैलेंस्ड साउंड क्वालिटी जो है देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक दिक्कत आ सकती है। जी हाँ गाइज अगर आप इस ईयरफोन के वॉल्यूम को 80% से ऊपर लेके जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी फटफटा की आवाज आ जाती है। जी हाँ गाइज थोड़ा सा यहाँ पे स्पीकर जो है फट जाता है, लेकिन दोस्तों उतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी गाइज आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो यार साउंड फटने का जो यार फीलिंग होता है वो गाइज आपको यहाँ पे जरूर फील होगा। यहाँ पे गाइज अगर माइक क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार इसकी माइक क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो फिर गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों जो मैं आपके साथ यहाँ पे कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ वो गाइज मैं इसी माइक के साथ कर रहा हूँ। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि यार इसकी माइक की क्वालिटी आपको कैसी देखने के लिए मिलती है। तो फिर गाइज अगर मेरे अकॉर्डिंग इसके माइक की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको ठीक ठाक माइक क्वालिटी जो है देखने के लिए मिल जाती है। और उसी के साथ यहाँ पे अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोस्तों मुझे यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही कमाल का मिला है इसी ईयरफोन के साथ। जी हाँ गाइज मैंने यहाँ पे बैटल ग्राउंड इंडिया जो यार गेम है वो गाइज मैंने इसके साथ यहाँ पे प्ले किया था और तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई इस ईयरफोन के साथ गेम खेलने में। दोस्तों गेमिंग में भी ये जो ईयरफोन है वो बहुत ही कमाल का है। तो फिर गाइज ओवरऑल अगर इस ईयरफोन की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप एक बेस लवर हो तो दोस्तों ये ईयरफोन आपके लिए ही बना है। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं इस ईयरफोन को ओवरऑल रेटिंग दूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे 9 out of 10 रेटिंग दूंगा इस ईयरफोन को। तो फिर बस गाइज आज के लिए इतना ही, और दोस्तों अगर आप इस ईयरफोन को बाय करना चाहते हैं तो गाइज प्लीज मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इस ईयरफोन को बाय कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी तरफ से हमारे इस चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और उसी के साथ दोस्तों ये जो ईयरफोन है वो आपको बेस्ट प्राइस में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दे दूंगा। और उसी के साथ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके एक लाइक से हमें यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली मोटिवेशन मिलती है, तो यार एक लाइक तो बनता है। और उसी के साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।
वंदे मातरम।